हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी के लिए बनाए जा रहे अपाचे हेलीकॉप्टर के डेजर्ट कैमोफ्लैज के बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आइए समझते हैं कि आर्मी के डेजर्ट कैमोफ्लैज का चाइना और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर को डेजर्ट पैटर्न में LCH प्रचंड की तरह ही बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी हैवी अटैक हेलीकॉप्टर और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का कॉम्बिनेशन यूज करने वाली है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक लंबा बॉर्डर शेयरिंग डेजर्ट वाला एरिया है। ऐसे में डेजर्ट कैमोफ्लैज वाले अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेस से लेकर सभी इंपॉर्टेंट आर्मी ब्रिगेड को अपने अटैकिंग एरिया के अंदर रखेंगे। किसी भी वॉर में कैमोफ्लैज का फंक्शन बेहद ही सिंपल होता है, और वो है अपने आप को एनिमी से छुपाकर रखते हुए एनिमी के पास पहुंचकर एक मैसिव अटैक लॉन्च करना और एनिमी को संभलने तक का मौका नहीं देना। साथ ही इसे बेहद ही कम टाइम में प्रिसाइज तरीके से करके खुद को फिर से हाइड आउट कर लेना, जिससे कि पीछे से आ रही एनिमी की रीइंफोर्समेंट के ऊपर सडन धावा बोलकर उसे तितर बितर किया जा सके। जब हम कैमोफ्लैज की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इसके कलर से नहीं है, बल्कि इसके मटेरियल से भी है। मॉडर्न डे वॉर में एनिमी के पास थर्मल इमेजिंग रडार सेंसर्स होते हैं, और ये सेंसर्स किसी भी इक्विपमेंट से आ रही हीट वेव को कैप्चर करके पता लगा लेती है कि वो कौन सा इक्विपमेंट है। और इससे बचने के लिए इस टाइप के इक्विपमेंट में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद ही कम हीट जनरेट करे और रडार की पकड़ में भी ना आए, यानी कि स्टेल्थ मटेरियल। क्योंकि चाइना के साथ हमारा कोई भी डेजर्ट वाला बॉर्डर एरिया शेयर नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ होता है, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ अपाचे विद LCH हेलीकॉप्टर किसी भी वॉर जैसे सिनेरियो में पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे एडवांसेस कर सकता है। साल 2015 में जब इंडियन एयरफोर्स के लिए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को प्रोक्योर करने की डील की गई थी, तो आर्मी का भी डिमांड था कि उन्हें भी अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने चाहिए, जिसके बाद साल 2020 में आर्मी के लिए भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील साइन की गई। और अब टाटा बोइंग ज्वाइंट वेंचर, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उन्होंने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर में से पहले अपाचे हेलीकॉप्टर के फ्यूसेलाज को हैंडओवर कर दिया है, जिसे बाकी चीजों की असेंबली के लिए भेजा गया है। इन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को साल 2024 तक शेड्यूल किया गया है, जो कि ऑलरेडी पेंडेमिक की वजह से डिले चल रही थी। भारत में बनने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर के इस फ्यूसेलाज को लेकर टाटा बोइंग ज्वाइंट वेंचर के ऑफिशियल्स का ये कहना था कि भारत में स्थित ये प्लांट दुनिया में सप्लाई किए जाने वाले सभी अपाचे हेलीकॉप्टर के फ्यूसेलाज के लिए सोल प्रोड्यूसर होगा। यानी कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते जा रहा है। अगर अपाचे हेलीकॉप्टर के फायर पावर की बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है, वहीं हमारा LCH प्रचंड एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक वॉर प्रूवन हेलीकॉप्टर है जो 10,433 kg तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। वहीं इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 293 किलोमीटर पर आवर की है। अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर के पेलोड की बात करें तो इसमें 130mm की M230 चेन गन लगा हुआ है, वहीं AGM-114 हेलफायर, एयर टू एयर स्ट्रिंगर, AGM-65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइल को ये फायर कर सकता है। वहीं APG-78 लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार से भी इसे इक्विप किया गया है। इंडियन एयरफोर्स अपाचे हेलीकॉप्टर के 60 यूनिट को प्रोक्योर करना चाहती थी, लेकिन MOD द्वारा 39 अपाचे हेलीकॉप्टर के खरीद को ही मंजूरी मिली थी, जिसमें से 22 एयरफोर्स और 6 आर्मी लिए ऑलरेडी परचेज किया जा चुका है। और अब क्योंकि LCH प्रचंड भी बनकर तैयार है, तो आर्मी और एयरफोर्स हैवी और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का कॉम्बो यूज करेगी, जो कि हमारे दोनों एनिमी के लिए काफी डिफिशिएटिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।